गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और फिर वही टाइम हो गया निकलते निकलते, तो हम लोग होटल से निकल रहे हैं और देखते हैं कितने बजे तक घर पहुंचते हैं। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए, कैसे कैसे घर पहुंचते हैं आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। और अभी हो गई हम लोग की लेट, तो चलिए गाड़ी में बैठ के फिर मिलते हैं आप लोग से। इधर है पिंकी, उधर है विजय। पिंकी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो चलिए मिलते हैं फिर। कौन सा झंडा? अभी हम लोग सिलीगुड़ी पार कर रहे हैं। सिलीगुड़ी टाउन पार हो गए। पार कौन सा? अभी कहाँ पार हुआ? बिहार में। और काम से निकल गए एक घंटा में बिहार बॉर्डर क्रॉस कर दूंगा ना। हाँ, आँख लग गया था। ये गए हैं माटी कटहल खरीदते हैं। क्या माटी कटहल बहुत मिलता है आगे, बहुत सारा तो रास्ता किनारे लेके बेच रहा था ना, पर नींद लग गया था। ये हमको उठाए, जो चीज़ मिले रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करती है ऐसे ही ऐसे ही। फुल मजा पिंकी का ही है। खूब नींद मार रही है। अरे बाबा, खूब नींद मार रही है पिंकी। क्या करें गाड़ी में सो के जा रही है। कोई जरूरी नहीं ना कि सो के जाएगा, आदमी नहीं है क्या? बात करो, मोबाइल चलाओ, कुछ करो। सो के जाना कोई जरूरी है क्या? चलिए फिर मिलते हैं आगे। बहुत धूप आ रहा है, धूप लग रहा है। এটি কিনে গে বলতে কিনে না তো বাদ করতে গম ছিলাম না, গম চিত্তাম ছিনা লাগাই মাম। ये बहुत पैसा मांग रही थी। ये झूठ मूठ के मत फंसा विजय बोल देनी। और ये लेके आए हैं माटी कट रहे खाने के लिए, खुद खा ली। कैसा है सब्जी टेस्ट इसका? ठीक है, बढ़िया है। चेहरा घुमाइए ना थोड़ा। बढ़िया है, टंगा है। जात रही है ना हनुमान मंदिर पार भइल, तो हम बोर्ड लगले रही ध्यान में ना भइल। एगो रेस्टोरेंट में आबेली होटल तो लीला जी के होटल फाइव होटल मंदिर ना वो हम जब ध्यान में ना बैलू ऐसे हाथ उठ गए ऐसे ही। हाँ, तब कभी कभी हो जाए तो बहुत दबर है, अच्छा लगता है। एकदम मजाक कर रही थी ना, और क्या करके बोलत रही बाबू के ना पूछ के बाबू के नारायण से दिया के शान बाटा। हां सर, इस बेटी को से पैदा हो गए नया नया सास बाटा। हमारा को बेटी के बोले तो बस ने घूम के देखा लोग चिन्ही तो के लोग। और मंदिर छोट छोट बा घंटी की आवाज आई लो, घंटी की आवाज आई तो ध्यान दे दे होने भगवान जी बन तो होने प्रणाम करी। घंटी की आवाज सुन के मैं नहीं प्रणाम को दे रही।
हम लोग चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पीवाए हैं, तो चाय पी लेते हैं। देखते हैं चाय है और क्या है। यहाँ चाय की चपनी लगी हुई है, पकड़िए। दूर में खाना होगा, दूर है। खा लेते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो आज हम लोग का 7 दिन हो गया, तो 7 दिन का नियम भी है। तो आज नहाने का नियम है कुछ, तो सुबह तो नहीं नहा सकते क्योंकि घर पे जब तक नहीं दूसरे लोग करेंगे तब तक नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ है, जगह अच्छा है, तो सोच रही नहा ले रही हूँ यहीं पर, नहा के तब जाऊँगी। कैसा मन हो जा रहा है, इतना दिन नहीं हुआ है नहाए ही, तो पता नहीं कौन सा नियम है हम लोग का। तो अपना घर का नियम है तो करना ही है हम लोग को। तो चलते नहा लेते हैं, यहीं से नहा लेंगे, उसके बाद आराम से खाना खाएंगे, खा के तभी निकलेंगे। और 2-3-4 घंटा है पहुंचने के लिए, तो कपड़ा निकाल लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो नहा लिए यहाँ पे, अच्छा था जगह नहाने वहाने का, और नहा के खाना पीना भी हो गया, नहीं हो गए तैयार जाने के लिए। अच्छा है, रेस्टोरेंट छोटा है, अच्छा है, खाना पीना हो गया, फ्रेश फ्रेश लग रहा है नहा वाले को। चलिए आप लोग को रेस्टोरेंट दिखाते हैं। बाजार, ये हम लोग का बाजार यही है, यहीं पे बाजार होता है, पचौर बाजार बोला जाता है इसको। और यहाँ पे थोड़ी ही दूर पे है घर, गांव में घुस ही गए हैं हम लोग। अच्छा, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, कल से बनाएंगे। आज जाके कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं शूट करेंगे। तो कैसा लगा ये हमारा सफ़र आसाम टू बिहार, आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे जो नए हैं अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो हैं वो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ऐसे बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, फिर तब तक के लिए बाय बाय।